Sir, seat please, all of you. Yes, R.D. Sharma, exercise 7.2, question number 7, page 7.20. In three segments, OA, OB, OC. But there are three segments. And segments ke naam dekhiye kya hai? OA, OB, OC. Theek hai, Moaz, yes. Pay attention, please, everybody. In three segments, OA, OB, OC. Dekhi, tino mein common alphabet O hai. Yani O ek jagah hai, aur A ek alag point hai, B alag point hai, C alag point hai. आप ऐसा फिगर देखिए, दो टाइप का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज ओ यहां ले लिया हमने सेंटर पे, और एक ही हो गया ओ ए. इज इट क्लियर? बाद में फिर दूसरा क्या हो जाएगा? इट विल बी ओ बी. ये ओ हो गया, दिस सपोज ओ बी, एंड थर्ड इज व्हाट एक्चुअली? ओ सी. यस और नो? ओ ए, ओ बी, ओ सी आर थ्री सेगमेंट्स. इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए, इन थ्री सेगमेंट्स ओ ए, ओ बी, ओ सी. या दूसरा फिगर हमारा देखिए क्या हो सकता. सपोज पॉइंट ओ ये है, पॉइंट ओ, बाद में फिर ए यहां आ गया, दिस इज सपोज बी, दिस इज सपोज सी. यस और नो? लेकिन यहां पे भी इसको ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल बनेगा. यस और नो? बट दिस फिगर इज मोर सिंपल कंपेयर टू दिस फिगर. ओके, सो आई एम टेकिंग दैट फिगर एक्चुअली, बट बोथ आर करेक्ट. सो इन थ्री सेगमेंट्स ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीन सेगमेंट्स है. तो अल्फाबेट ओ तो सब जगह कॉमन है, यानी अल्फाबेट ओ एक ही है कोई. तो देखिए ओ एक है, वहां से ए है, ओ ए, ओ बी, ओ सी. बाद में यहां पे देखिए ओ यहां है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीन सेगमेंट्स हो गए. इज इट क्लियर? बोथ आर करेक्ट एक्चुअली. नाउ पॉइंट्स एलिमेंट आर सो चोजन, यानी एलिमेंट आपने ऐसा सेलेक्ट किया है कि एलएम पैरल टू ए बी. बताए एलएम और ए बी, देखिए ए बी लाइन जो है एलएम पैरल होना चाहिए. इसका मतलब एल एम अगर हम यहाँ ए बी यहाँ ड्रॉ किया तो एल एम यहाँ पे आ गया. यस और नो? एल एम पैरल टू ए बी. और क्या है? एम एन पैरल टू बी सी, देखिए बी सी यहाँ आएगा मैं, यानी एम एन यहाँ आना चाहिए. यस और नो? और हमको प्रूफ करना है एल एन पैरल टू ए सी, तो ए सी यहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे एल एन आएगा. प्रूफ करना. यस यस. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जैक्टली सेम. इज इट क्लियर? और वैसे यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ किया, सपोज देखिए एल एम पैरल टू ए बी, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने ए बी ड्रॉ किया ऐसा, तो यहाँ पे एल एम आएगा. यस और नो? और फिर बाद में एम एन पैरल टू बी सी, तो बी सी यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पे एम एन आ जाएगा. और बाद में ए सी आ जाएगा, उसके हिसाब से पैरल एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी. इज इट क्लियर? सो दोनों से फिगर आएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान जाएगा. दिस फिगर विल बी मोर सिंपल कंपेयर टू दिस. दिस इज फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12, एंड दिस इज 13. इज इट क्लियर? सो यू कैन यूज एनी ऑफ द फिगर. सो सपोज आई एम यूजिंग दैट फिगर. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो दिस इज ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीन सेगमेंट्स है. हमने जो फिगर ड्रॉ किया था आपको फिर से बता दे रहे, एक्चुअली दोनों फिगर बनाने के बाद में एक फिगर को मिटा देंगे. दिस इज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, बोथ द फिगर्स आर करेक्ट. ठीक है? सो इन थ्री सेगमेंट्स ओ ए, ओ बी, ओ सी, पॉइंट्स एलेवन आर सो चोजन. आपको एलेवन ऐसा सेलेक्ट करना है सच दैट एल एम इज पैरल टू ए बी. बता एल एम पैरल टू ए बी, तो पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेंगे, ए बी हमारे पास आ जाएगा, और ए बी से एक पैरल लाइन बना देंगे. तो सपोज देखिए हमारा ए बी आ गया, दिस सपोज ए बी. इज इट क्लियर? ये आ गया ए बी, इसे पैरल हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा ए बी से पैरल यहां पे आ जाएगा. सो दिस विल बी एल एम. सो दिस पॉइंट इज एल एंड दिस पॉइंट इज एल. ठीक है? वैसे यहां पे अगर ड्रॉ करना है, सपोज बताए एल एम पैरल टू ए बी, देखिए ए बी आ गया, ये आ गया ए बी. यस और इससे पैरल हम एक लाइन बना लेंगे, ये हमारा एल एम हो गया. सो एल एम पैरल टू ए बी, तो ये ए बी है, सपोज ये एल एम है, दिस इज एल एंड दिस इज एम. पहले देखिए एल है, पहले ए है, यानी जहां ए है वहां एल लिए, जहां बी है वहां पे एम लिए. और दूसरा कौन सा? एम एन पैरल टू बी सी. बताए पहले बी सी बना ले, देखिए बी सी ऐसा आएगा, बी सी ये फिगर में देखिए बी सी ऐसा आएगा. इससे पैरल क्या बनाना? एम एन. तो ये एम ए हो गया ऑलरेडी, एम एन पैरल टू बी सी. वैसे यहां पे भी अगर बनाना है, सपोज तो ये देखिए बी सी, ये बी सी, इससे पैरल हम बनाएंगे एम एन. ये देखिए एम ये आ गया, एम एन, एम एन पैरल टू बी सी. और हमको प्रूफ करना है, शो दैट एल एन इज पैरल टू ए सी. हम क्या प्रूफ करना है? एल एन पैरल टू ए सी, मतलब ए सी ड्रॉ करेंगे. सपोज ए यहां पे लिख ले रहे, आई एम राइटिंग इट ए देयर. शो दैट एल एन इज पैरल टू ए सी. बताए ए सी ये है एल एन, हम इसको डॉट लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? ये कि पैरल है. शो दैट एल एन पैरल टू बी सी, ए सी.
पता है यहां पे अगर एल एन पैरल टू ए सी बनाने तो ए सी देखिए ऐसा आ गया, यस और नो, ए सी ये आ गया। इससे पैरल हमको एल एन ड्रॉ करते, एल एन को हम डॉटेड ड्रॉ कर लिए, प्रूफ कर, ठीक है। ये अगर देखेंगे आप ये फिगर कौन से क्वेश्चन का, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 का ये फिगर, ये 12 का और वो 13 का है, लेकिन दैट फिगर इज मोर सिंपल, इज इट क्लियर, समझ में आ रहे थे। तो क्वेश्चन में क्या दिया, इन थ्री सेगमेंट्स ओ ए ओ बी ओ सी, एक ओ ए है, एक ओ बी है, एक ओ सी है, पॉइंट्स एल एम एन इस तरीके से सिलेक्ट किया है कि एल एम इज पैरल टू ए बी, एम एन इज पैरल टू बी सी, प्रूव दैट या शो दैट एल एन इज पैरल टू ए सी, प्रूफ करना। वैसे सेम फिगर इन थ्री सेगमेंट्स ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है, दिस पॉइंट्स एल एम एन आपने ऐसे सिलेक्ट किया कि एल एम इज पैरल टू ए बी, ए बी और एल एम पैरल, एम एन इज पैरल टू बी सी, एंड प्रूव दैट एल एन इज पैरल टू ए सी, प्रूफ करना। तो ये फिगर सॉल्व एग्जांपल नंबर 12 का है और वो 13 का ऑलरेडी आपने दोनों किए हैं क्वेश्चंस, आई वांट टू टेक इन, बट आई एम यूजिंग दैट फिगर इज मोर सिंपल। बताइए क्या करना है, पहले ट्रायंगल जिसमें लाइन पैरेलल दी है वहां क्या अप्लाई करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे बीपीटी, यहां पे अप्लाई करेंगे बीपीटी, यस सर। तो यहां जब बीपीटी, यहां पे जब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन का रेशियो सेकंड के बराबर, और यहां अप्लाई करेंगे तो सेकंड थर्ड के बराबर, इसका मतलब फर्स्ट का रेशियो थर्ड का रेशियो बराबर हो गए, तो यहां फर्स्ट और थर्ड का रेशियो बराबर, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहां बीपीटी, यहां बीपीटी, यहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इज इट सिंपल फॉर्मिंग। मतलब ये ट्रायंगल में क्या अप्लाई करना हमको, बीपीटी, ये ट्रायंगल में भी बीपीटी, और थर्ड एंगल जहां पे प्रूफ करना है यहां पे कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इज इट क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। सो यहां पे देखिए बस, अब बताइए यहां बीपीटी अप्लाई करना तो ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये जैनुल आबिदीन, यहां पे बीपीटी अप्लाई करना तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए, तो ए ओ बी बोलिए, ओ ए बी बोलिए, सेम ट्रायंगल ओ ए बी, दिख रहा ट्रायंगल, ये ओ से ए, ए से बी, बी से ओ, यानी ट्रायंगल, बताइए ये ट्रायंगल में ये लाइन एल एम और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल तो रेशियो कौन सा रेशियो, ओ एल अपॉन एल ए, क्या हो जाएगा, ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी, इज इट क्लियर, यस। लास्ट बेंच बॉयज प्लीज बी केयरफुल, यू डोंट हैव टू टॉक व्हेन आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन, जनरल सिट डाउन। सो कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ये ट्रायंगल ओ ए बी, उसमें एल एम इज पैरल टू ए बी, एल एम ए बी पैरल, तो कौन सा रेशियो इक्वल, बताइए कौन सा रेशियो बीपीडी के हिसाब से, कौन सा रेशियो इक्वल, तो कभी भी देखिए सिंपल चीज है, ये लाइन इस ट्रायंगल के साइड से पैरल है, जिस साइड से पैरल है उसका अपोजिट वर्टेक्स, यहां शुरू करेंगे इक्वेशन लिखना यहां से, यानी ओ एल अपॉन एल ए, ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी, पे अटेंशन प्लीज, इज इट क्लियर। दूसरा ट्रायंगल बताइए कौन सा लेंगे, अब बीपीटी के लिए ओ ए सी, ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी में कौन सी लाइन पैरल है, एम एन इज पैरल टू बी सी, तो बीपीटी अप्लाई करिए, इक्वेशन में देखिए आएगा ओ एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी, इस ट्रायंगल में आया ओ एल अपॉन एल ए, यस इस ट्रायंगल में आया ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम बी, और यहां पे आया ओ एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एन अपॉन एन सी, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू एन अपॉन एन सी, तो इस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल, यहां पे लाइन पैरल है तो रेशियो इक्वल, यहां लाइन पैरल रेशियो इक्वल, लेकिन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा, यहां पे रेशियो इक्वल तो लाइन पैरल, तो प्रूफ हो जाएगा यस कन्वर्स ऑफ बीपीटी से एलएन इज पैरल टू एसी। सो यू हैव टू बी केयरफुल, प्लीज पे अटेंशन, डोंट टेक इट लाइटली थिंकिंग दैट यू ऑलरेडी नो, एक्चुअली यू ऑलरेडी नो, आई नो, बट पे अटेंशन, सिट डाउन, यस इल्तिफात, टेल मी व्हिच ट्रायंगल नेम एंड बीपीटी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओएबी, वेरी नाइस, in triangle OAB what will write, LM is parallel to AB. So LM is parallel to AB, so by using BPT we get, by using BPT we get, what will get, OL upon LA OM upon MB, so it is OL upon ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम बी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, यस मोस सेकेंड,
in triangle OBC. So in triangle OBC, MN is parallel to BC. So by using BPT, yes, what is the equation? OM upon MB is equal to ON upon NC. OM upon MB is equal to ON upon NC. Are these two equations equal? Yes. OM upon MB, OM upon MB. Dono equation OM upon MB aa raha? Yes, kya aa raha hai? OM upon MB. क्योंकि जब ये ट्रायंगल में अप्लाई किया तो OL अपॉन LA इज इक्वल टू OM अपॉन MB आ गया, इसमें अप्लाई किया तो भी OM अपॉन MB आ गया इज इक्वल टू OM अपॉन NC. तो बताइए यस, ये दोनों इक्वल है. अगर दोनों इक्वल मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन सी नो, यस मॉस, मॉस योर नेम इज मॉस, फ्रॉम इक्वेशन वी गेट व्हाट विल गेट OL अपॉन is equal. Yes, so this. So ये यहाँ पे BPT से OL upon LA is equal to, यानी first line का ratio second के बराबर और यहाँ second का third के बराबर, तो first का third के बराबर आ जाएगा. OL upon LA is equal to N upon NC. So we get ये same. OL upon LA इसके बराबर OM upon MB और OM upon MB है, यानी ये दोनों भी बराबर है. So OL upon LA is equal to OL upon LA is equal to ON upon. So, कौन सा रेशियो इक्वल आ गया? OL upon LA का जो आंसर है वही आंसर ON upon NC का है. बता अगर सपोज ये रेशियो इक्वल, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में बाय कन्वर्स ऑफ BPT LN इज पैरेलल टू AC. सो इन ट्रायंगल, बताइए कौन सा ट्रायंगल? OAC. We get from equation 1 and 2, we get OL upon LA is equal to N upon NC. So in triangle OAC by, we get, you can write, so in triangle OAC by converse of BPT we get. By converse of BPT. So ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में रेशियो OL अपॉन LA ON अपॉन NC के बराबर हो गया. तो ट्रायंगल OAC में LN इज पैरेलल टू AC. सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी गेट LN इज पैरेलल टू AC, हेंस प्रूव्ड. तो ऑलरेडी देखिए फिगर में हमने लिख दिया ऑलरेडी कि इस ट्रायंगल में BPT अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लाइन और थर्ड सेकंड लाइन का रेशो इक्वल, यहां BPT अप्लाई करेंगे सेकंड थर्ड इक्वल, तो यहां पे कन्वर्स ऑफ BPT क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इक्वल आ जाएगा रेशो इक्वल, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT. ये ट्रायंगल में क्योंकि लाइन पैरेलल दिया है इसलिए BPT, यहां लाइन पैरेलल दिया इसलिए BPT, यहां प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT. तो जब यहां लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल कौन सी लाइन का? फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन. यहां लाइन पैरेलल है तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, तो फर्स्ट का रेशो सेकंड के बराबर, सेकंड का थर्ड के बराबर, यानी फर्स्ट और थर्ड बराबर. तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो बराबर, तो कन्वर्स ऑफ BPT से लाइन क्या हो जाएगी फिर? पैरेलल. ओके, यस, हैज प्रूव. सो राइट इट प्लीज. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आई एम टेकिंग, एक्चुअली इट इज नॉट गिवन इन NCERT, बट RD Sharma इट इज गिवन एंड इन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो सम क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड वन और टू टाइम्स. ओके, सो विल सॉल्व. सो इंटर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ जो है वो नहीं कर रहे क्योंकि NCERT में नहीं है, लेकिन बहुत आसान प्रूफ है, BPT यूज करके करना पड़ता. ठीक है, लेकिन प्रूफ आपको नहीं बता रहे, सिर्फ इक्वेशन, इसका मेन इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. मैं जैसे BPT आपने अपना बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, BPT और BPT का कन्वर्स है, वैसे ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और इसका कन्वर्स है. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में और उसका कन्वर्स है. जैसे BPT में क्या है, अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरल है तो रेशो क्या आएगा? इक्वल. और कन्वर्स में अगर रेशो इक्वल है तो लाइन ट्रायंगल के साइड से पैरल है.
ठीक है, तो बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी वैसे ही इंटरनल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी है और कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? सो आई विल टेक बोथ द थिंग्स. तो सपोज एक ट्राइंगल है एबीसी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, सपोज दिस ट्राइंगल इज एबीसी, ये पूरा एंगल अज्यूम करेगी 60 डिग्री है. कितना एंगल है ये? 60 डिग्री. हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 60 का 30 30, या अगर 50 डिग्री है तो 25 25, इज इट क्लियर? 40 डिग्री है तो 120. देखिए यहाँ पे देखिए डबल लाइन ड्रॉ किया ना, यहाँ पे भी डबल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल है. इसका मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल. अगर यहाँ पे सिंगल लाइन रहता है ये एंगल क्लियर, यहाँ दो लाइन रहता है मतलब अलग अलग, इज इट क्लियर? और यहाँ लिख भी दिया हमने एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. बताइए जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एडी, ये इस पूरे एंगल को, ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे एक्चुअली? एंगल बाइसेक्टर. क्या बोलेंगे एक्चुअली? एंगल बाइसेक्टर, इज इट क्लियर? तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, लेकिन एंगल को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो साइड बीसी है ट्रायंगल का, इसके ये पार्ट्स बीडी और डीसी इक्वल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, प्लीज समझिए, इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसका इससे कोई लिंक नहीं है. तो ये लाइन क्या कर रही है? इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रही दो इक्वल पार्ट में, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे एक्चुअली? एंगल बाइसेक्टर. पूरा एंगल 60 है तो ये 30 30 क्या हो जाएगा? 30 30, यानी दो इक्वल पार्ट में, इसलिए इस लाइन को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर. लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट जो साइड है, देखिए एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये जो एंगल ए है ना उसका बाइसेक्टर है, और इसका एंगल ये वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड बीसी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा एक्चुअली एंगल ए का, वो अपोजिट साइड पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो रहे, बीडी और कौन सा? डीसी. लेकिन ये बीडी और डीसी की लेंथ इक्वल हो भी सकती नहीं भी हो सकती, और उसको कोई लेने देना नहीं है. यानी एंगल बाइसेक्टर है ये, लेकिन आगे का बीडी और डीसी इक्वल है कि नहीं उससे कोई लेने देना नहीं है. इट हैज नथिंग टू डू, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते. सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे अगर किसी भी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन यूज करके, जैसे यहाँ पे लाइन एडी यूज करके हम क्या कर रहे हैं? पूरा जो एंगल ए है, कौन सा एंगल है? बीएसी. पूरे एंगल का नाम क्या रहेगा? बीएसी. तो लाइन एडी क्या कर रही है? पूरे एंगल बीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसे लाइन एडी को क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर. और यह एंगल है जिसको बाइसेक्ट कर रही, उस एंगल का जो अपोजिट साइड है बीसी, ट्रायंगल का अपोजिट बीसी, उसको देखिए, उसको इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट डी पे. यानी इसके साइड बीसी के दो टुकड़े हो रहे, कौन कौन से? एक बीडी और डीसी. तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है? ये जो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा और इसके दो पार्ट्स जो हो रहे बीडी और डीसी, ये बीडी और डीसी का रेशो, बीडी और डीसी का रेशो, यानी बीडी अपॉन डीसी का आंसर. किसका आंसर? बीडी अपॉन डीसी का आंसर. यह आंसर उतना ही रहेगा जितना साइड ए बी अपॉन ए सी का रहेगा. जितना किससे रहेगा? ए डी अपॉन ए सी. अज्यूम करें कि सपोज ये 5 है और ये 2 है, बताइए 5/2 कितना आंसर आ जाएगा? 2.5. अगर 2.5, अगर ये 5 है ये 2 2.5, या सब वो सिंपल ले रहे, ये 4 और ये 2 है, तो बताइए 4/2 का आंसर क्या है? 2. तो अगर ये 8 है याला साइड, तो ये 4 होगा फिर, क्योंकि 8/4 का भी आंसर क्या आएगा? 2. यानी अपोजिट साइड के दो टुकड़े जो इसका रेशो और जिस एंगल का वो बाइसेक्टर, उस एंगल के दो साइड्स है. देखिए एंगल ए, एंगल ए का एक साइड ए बी है और एक साइड क्या है? ए सी. तो इस एंगल जिसका ये बाइसेक्टर है, उस एंगल के जो दो साइड से ए बी ए सी, इनका रेशो, इनका रेशो और अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े हैं ना, इसका रेशो इक्वल आएगा. दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. यानी हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. ना इसको BD अपॉन DC को अगर किसी ने लिखा DC अपॉन BD तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर DC ऊपर और BD नीचे तो दूसरे साइड में भी इसको ऊपर लिखना पड़ेगा. इसको ऊपर लिख रहे ना, इसको ऊपर, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको ऊपर लिख रहे तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? और दोनों इक्वेशन करेक्ट है. तो सपोज अगर BD अपॉन DC लिख रहे, एक साइड में BD ऊपर और DC नीचे, तो बताइए फिर BD ऊपर तो ये साइड को क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर. और ये साइड को नीचे लिख रहे तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? नीचे. और हम अगर इक्वेशन BD अपॉन DC नहीं DC अपॉन BD बना रहे तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर DC को ऊपर लिख रहे तो ये साइड को ऊपर लिखना पड़ेगा, और इसको नीचे लिख रहे तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट. दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी. ट्रायंगल का नाम है एबीसी. इसमें कितने एंगल्स दिख रहे? 3. एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है. हमने किस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? एंगल ए को. यानी लाइन एडी क्या कर रही? पूरे एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, मतलब दोनों एंगल इक्वल है. और अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 30, अगर पूरा कंप्लीट 50 डिग्री होगा तो 25 25.
यानी लाइन एडी क्या कर रही, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, लेकिन लाइन एडी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये दोनों एंगल इक्वल आएगा, लेकिन अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े हो रहे ये दोनों इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ये दोनों इक्वल तभी रहेंगे अगर ए बी और ए सी इक्वल रहेगा, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस रहेगा। कौन सा ट्रायंगल रहेगा? आइसोसेलेस। जब ए बी और ए सी इक्वल रहेगा ना तो ये भी टुकड़े भी इक्वल आएंगे, और जब ए बी ए सी की वैल्यू अलग अलग होगी तो बी डी और डी सी की लेंथ भी अलग होगी, लेकिन बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो आएगा, बी डी अपॉन डी सी का जो आंसर आएगा, वही आंसर आएगा किसका? ए बी अपॉन ए सी का, एंड दैट इज इंटर एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका प्रूफ करना है तो बीपीडी यूज करके प्रूफ कर सकते, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया इसलिए आई एम नॉट गिविंग द प्रूफ, लेकिन सिंपल प्रूफ है। यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता, एंड देन यू विल गेट द प्रूफ। ठीक है, बट आई एम नॉट टेकिंग बिकॉज इट इज नॉट गिवन एनसीईआरटी, लेकिन आर डी शर्मा भी दिया है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर्स में है डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस, देयरफॉर आई एम टेकिंग इट। इज इट क्लियर? तो बताइए कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। एडी क्या है? एडी इज व्हाट? एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल बीएसी। हम एंगल ए लिखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये भी एंगल ए हो सकता है, ये भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ऐसा नो, इसलिए पूरे एंगल का नाम लिख रहे हैं बी ए सी। इन ट्रायंगल बी ए सी कॉमा, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? एंगल बी ए सी। कंप्लीट आई एम राइटिंग। ठीक है, सो एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का? BAC। इसका मतलब क्या होता है कि जो एंगल BAC है ना, टोटली BAC है, पूरा BAC, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, दो इक्वल पार्ट। इससे यहां पे देखिए डबल लाइन, यहां भी डबल लाइन, और यहां लिखा भी 1 = 2। ठीक है, लाइक दिस। सो कंडीशन क्या है? AD क्या होना चाहिए? एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े हो रहे BD और DC, क्या ये इक्वल आना जरूरी है? नहीं, उसकी कोई कंडीशन नहीं, इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसको कोई लेना नहीं। सो लाइन AD क्या है? एंगल BAC के बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 = एंगल 2। So, is angle bisector of angle BAC. So, angle 1 is equal to angle 2. Is it clear? Yeah. यानि angle 1 और angle 2 equal है. तो हमारा angle bisector property का equation क्या है? देखिए, तो angle bisector property का equation क्या है? यह angle bisector कहाँ पे intersect कर रहा है? Side BC को, point D पर. तो side BC के दो टुकड़े हो रहे, कौन-कौन से है? कि BD हो रहा, दूसरा कौन सा? DC. इस BD और DC का ratio, ratio का मतलब क्या होता है? Divide करना पड़ता. यानि BD upon DC का answer. ये आंसर वही रहेगा जितना इस एंगल के जो साइड्स है, ए बी का और ए सी का। हाँ, ऊपर बी डी लिखा एक साइड में और नीचे हमने डी सी लिखा, जब ऊपर बी डी लिखा तो जब दूसरा साइड लिखेंगे तो ये ऊपर लिखेंगे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे। और अगर हमने उल्टा लिखा कि इसको लिखा डी सी अपॉन बी डी, इसको ऊपर लिखा, तो फिर दूसरे साइड में रेशो में भी इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। ओके, सो एंगल 1 = एंगल 2। उसके बाद ए डी इंटरसेक्ट्स, AD इंटरसेक्ट कर रहा साइड, इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D, एट पॉइंट D। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो बहुत आसान है, लेकिन एक्सटर्नल थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो यह हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इक्वेशन कहां से लिखेंगे? DB अपॉन DC। बताइए BD और DB एक ही होता है, और DC और CD एक ही होता है। इज इट क्लियर? सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन अपोजिट साइड को जहां पे इंटरसेक्ट करे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो AD इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D। सो द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इज, बताए कि इक्वेशन आ जाएगा DB अपॉन DC, क्या D से B तक और D से C तक, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। D से कहां तक? B तक, और D से C तक। ये रेशो कितना रहेगा? तो याद रखें इसको DB बोली BD एक ही बात है। DB अपॉन DC इज इक्वल टू क्या आएगा? AB upon AC is equal to AB upon AC, और इसी को हम उल्टा लिख रहे, सपोज हम DC को ऊपर लिख रहे, DB को नीचे, तो क्या क्या लिख सकते हैं? DC, DC upon DB, हमने DC ऊपर लिखा और नीचे लिखा DB,
तो डीसी ऊपर लिखा तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन एसी को भी देखिए आप उल्टा कर देंगे तो भी आ जाएगा, ये डीसी और एडीबी, डीबी इंटरचेंज हो गया और एसी ए बी इंटरचेंज हो गया, इज इट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी इक्वेशन। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है, आई टेक सब क्वेश्चन, और बाद में एक्सटर्नल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो भी आपको बताएंगे। बताए एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं किसको? Yes, जैसे ये आपका इंटरनल एंगल ए है, अब इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे ऐसे आगे, यस एक्सटेंड मतलब ये लाइन को स्ट्रेट, बी ए को स्ट्रेट बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट, तो मतलब ये पूरा एंगल 180 आ जाएगा। ये तो उसमें ये हो गया इंटरनल, और बाकी जो बचा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। ये सब 60 है और टोटल 180 होता है, 60 तो बचाओ कितना रहेगा 120, तो उसका बाइसेक्टर कैसा रहेगा? 120 का आधा मतलब 60 में डिवाइड करेगा, फिर वो लाइन देखेंगे आप ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो ये बी सी को आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यस और नो? तो वहां से आगे एक्चुअली आपको इक्वेशन एक्सटर्नल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी की इक्वेशन, इज इट क्लियर? इंटरनल बायस्टर प्रॉपर्टी इक्वेशन है। सो इंटरनल बायस्टर प्रॉपर्टी इक्वेशन क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक एंगल ए है या एंगल बीएसी है, और लाइन एडी क्या कर रहा है? पूरे एंगल बीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको बोलेंगे एंगल बायसेक्टर, और ये एंगल बायस्टर लाइन अपोजिट साइड बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? पॉइंट डी पर। तो इसका इंटरनल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा? डीबी अपॉन डीसी, यानी ये दो साइड्स का जो रेशो रहेगा, रेशो जो भी इसका रेशो मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, ये आंसर वही रहेगा जो बाकी दोनों साइड्स का रहेगा, इज इट क्लियर? डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी, इज इट क्लियर? सो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन विच आर आस्क्ड एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। सो आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मराठी से वही कर रहे, ठीक है? लेकिन जो एक्सटर्नल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी वो भी क्वेश्चन आपको बता देंगे, उसके प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पेपर में आए नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको करा देंगे, इज इट क्लियर? If you want, you can write, or you can write afterwards also. Just start writing, and write in the book only. The book, I know, I have already told you. Actually, you should. Book binding should be there. Between two pages, one blank page should be there. If you are not having that type of book, you can refer them. Okay. So in between two pages of R.D. Sharma, one blank page has to be there, and write there only. No need to use copy. Book and solution both together. Now converse of internal angle Bastor property. So what is internal angle Bastor property? उसमें क्या what is given? AD is angle Bastor दिया हुआ है. क्या दिया? Actually AD angle bisector है, ये दिया हुआ है. तो बताइए हमको result क्या मिलेगा? Ratio क्या जाएगा? Equal. Given में क्या रहेगा? AD is angle bisector, ठीक है ना? This of angle BAC ये given है. Then what is the result you can use? DB upon DC is equal to AB upon AC. और converse of internal angle bisector property में what is given? DB upon DC is equal to AB upon AC. Ratio is equal is given. Okay? लेकिन line AD angle bisector है कि नहीं? नहीं दिया है. लेकिन ratio equal दिया हुआ है. तो अगर ratio equal तो confirm line AD क्या हो जाएगा फिर? Angle bisector. यानी अगर total angle आपको दिया 70 degree है, तो angle 1 angle 2 35 आ जाएगा. आधा जाएगा, इज इट क्लियर? सिंपल है. यानी एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी में क्या है? एडी एंगल बायसेक्टर है, ये दिया हुआ है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? रेशियो इक्वल. और कन्वर्स में क्या रहेगा? रेशियो इक्वल है, दिया हुआ है. क्या दिया है? रेशियो इक्वल है, ठीक है? एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी में क्या दिया है? ये लाइन एंगल बायसेक्टर है, ये दिया हुआ है, रेशियो इक्वल है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन लाइन एंगल बायसेक्टर दिया है. तो अगर एंगल बायसेक्टर दिया है तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? रेशियो क्या रहेगा फिर? इक्वल. और कन्वर्स में क्या दिया है? लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन हमको रेशियो इक्वल दिया है. क्या दिया? रेशियो इक्वल. तो उसमें लाइन एडी विल क्या हो जाएगा फिर? एंगल बाइसेक्टर. इसमें एक्चुअली एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये गिवन है. रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं आप? रेशियो डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी, इज इट क्लियर? कन्वर्स में क्या लिखेंगे? व्हाट इज गिवन? DB upon DC is equal to AB upon AC is given. ये दिया हुआ है. तो लाइन AD क्या है वो हमको बताया. तो लाइन AD will be always what actually? Angle bisector. So जो given है वो result आ जाएगा, और जो result है वो given आ जाएगा. That is converse. ऐसी BPT में था. BPT में अगर suppose एक लाइन ट्राइंगल के साइड से पैरल है, लाइन पैरल दिया है, तो रिजल्ट क्या? रेशियो इक्वल. और कन्वर्स में क्या है? रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या? लाइन पैरल हो जाएगी. That is converse. Is it clear? So internal angle bisector property. इसमें गिवन व्हाट इज गिवन? एडी इज
एंगल बाइसेक्टर, इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विच एंगल, एंगल बीएसी। सो लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, ये दिया हुआ है, यानी पूरे एंगल बीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। तो रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहेगा, रेशो, रेशो इज इक्वल, कौन सा रेशो, डीबी अपॉन डीसी, यानी इक्वेशन लिखने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। आई एम राइटिंग ओनली वन, डीबी अपॉन डीसी, सो डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। दिस इज इंटर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ इंटर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यानी उसका अपोजिट, जो गिवन में है ये रिजल्ट में आ जाएगा, जो रिजल्ट में हो गिवन में आ जाएगा। यस सर, फिगर वाइज सेम फिगर यूज कर रहे हैं। तो बताए यहां पे गिवन में क्या है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, और रिजल्ट में क्या है, रेशियो इक्वल। यहां पे गिवन में क्या आ जाएगा, रेशियो इक्वल, रेशियो इक्वल दिया है, ठीक है। और फिर रिजल्ट में आप मिलेगा जो लाइन एडी है वो क्या रहेगा, फिर एंगल बाइसेक्टर। सो यहां पे कन्वर्स ऑफ द सेम फिगर, आई एम यूजिंग सेम फिगर, गिवन, गिवन में क्या रहेगा, रेशियो इज इक्वल, यानी डीबी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। रिजल्ट क्या है, लाइन एडी, फिर कौन सी लाइन है, एंगल बाइसेक्टर, यहां पे क्या दिया है, लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते, रेशियो इक्वल। और यहां क्या दिया, एडी के बारे में नहीं दिया कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, क्या दिया, रेशियो इक्वल ही दिया हुआ है। अगर रेशियो इक्वल तो कंफर्म लाइन एडी क्या रहेगा, एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर। सो रिजल्ट, लाइन एडी विल बी एंगल बाइसेक्टर, इज इट क्लियर, ऑफ विच एंगल, एंगल बीएसी, That is, मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए हमारे, एंगल वन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इज इट क्लियर, यू कैन राइट। सो सीट प्लीज, एडिशन में एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे 7.31, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, इन ट्रायंगल एबीडी, आई थिंक इट इज एबीसी, नेम ऑफ ट्रायंगल जैसी, इट इज एबीसी थी, यस, इन ट्रायंगल एबीसी कॉमा एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ओके, सो ट्रायंगल का नाम क्या, इट इज नथिंग बट ट्रायंगल एबीसी, सो ट्रायंगल एबीसी सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी, in triangle ABC AD is angle bisector of angle A, this is angle A, so AD is angle bisector, this point is D, this is the point of intersection, AD is angle bisector, but the angle bisector, what is the meaning of angle bisector, yes yourself Shujat, angle bisector matlab ye dono angles AD, ye dono angles alag alag ke same equal, yes, so angle 1 is equal to angle, look at this angle bisector, it is given, sit up, so triangle का नाम क्या है, ABC, triangle का नाम ABC है, AD जो line है वो angle bisector है, angle A का bisector है, तो angle A अगर suppose total 80 degree होगा, 80 तो 40-40, ठीक, if it is suppose 70 degree, it is 35-35, they will be equal, angle 1 is equal to angle 2, AB की value 5.6 दिया, देखिए AB, AB is given as how much, 5.6 centimeter, and then AC, this AC, AC is given as 6, AC is given as 6, DC is given as 6, this is DC, it is given as 3 centimeter, okay, and we have to find BC, हमको अगर equation use करेंगे हमको DB मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, DB मिलेगा, हमको B से C तक पूरा चाहिए, yes or no, तो जो हमको चाहिए उसको हम denote कर दे रहे हैं X से, this is what we want, X, ठीक है, जो भी हमको find out कर रहे हैं, क्या find out कर रहे हैं, हाँ अगर question में था कि find BD, ये find कर रहे हैं BD, तो इसको X लेते हैं,
हमको फाइंड क्या करना है, बीसी। जिस चीज को फाइंड करना उसको एक्स ले लिए, बताइए इसको एक्स ले, लेकिन हमारी इक्वेशन में तो ये आएगा, बताइए टोटल एक्स है और ये थ्री है, टोटल यहां से यहां तक एक्स और ये थ्री, तो यहां बचा कितना एक्चुअली, इट इज एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारा एक्स माइनस थ्री आएगा और इक्वेशन सॉल्व करने से हमको डायरेक्ट एक्स मिल जाएगा, इट इज एक्स माइनस थ्री। तो एक्स हमेशा किसको मार्क करेंगे, जिस चीज को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इसको हम एक्स लेते तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर इसको एक्स लेते तो पूरा बीसी क्या होता, फिर एक्स प्लस थ्री हो जाता, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इज इट क्लियर, बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहां पे हम कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट हमको जो एक्स मिल जाएगा वही आंसर रहेगा, ठीक। सो एडी, क्योंकि एज एडी इज वॉट, एज एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विच एंगल, बी ए सी, एज एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, सो बट व्हाट द इक्वेशन विल गेट, डी बी अपॉन डी सी, जस्ट रिमेंबर यहां से डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एज एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो एडी एंगल बाइसेक्टर एंगल बी ए सी का, सो इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमको, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इज इट क्लियर। आई कैन पुट द वैल्यूज, व्हाट द वैल्यू ऑफ डी बी, एक्स माइनस थ्री, डी बी इज एक्स माइनस थ्री अपॉन डी सी इज हाउ मच, थ्री इज इक्वल टू ए सी विल बी 5.6, सॉरी ए बी इज 5.6, ए सी इज 6, सो एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री, ए बी इज 5.6 अपॉन 6, इट इज वेरी सिंपल, this through 3 will cancel 6, how many times, 2 times, so x minus 3 5.6 upon 2 and that is equal to how much, 2.8, 56 ka tha, 56 ka 50 ka, 50 ka 25 hota aur 6 ka 3 aur add kar diye 28, 2.8, x minus 3 is equal to, minus 3 wahan jayega to plus ho jayega, yes or no, x माइनस थ्री 2.8 हो रहा है, तो x के लिए माइनस थ्री वहां जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल 2.8 प्लस दैट इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, सो दिस इज BC, सो BC साइड BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, जस्ट चेक द आंसर, ओके, it is very simple, so we have to find the value of what actually, BC nikalna hai, to x mil gaya hamara BC, BD nahi nikalna hai, agar humko BD nikalna rehta to hum isi ko x mark kar lete the, direct answer aata, humko question mein diya dekhi find BC, isme bahut bar confusion hoga ki dekhi ye side teen side de diye aur chautha nikalna hai, bahut bar aisa aapko lagega, lekin read the question carefully, bahut bar question hai, hum jaldbaazi mein kya karte hai ki thoda padhte aur thoda apne aap assume kar lete, bahut ye bhi actually mistake, yes or no, ये क्वेश्चन हम पढ़ते रीड करते तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको आते ही क्वेश्चन, अंदर से खुशी होती, खुशी खुशी में फिसल जाते, गड़बड़ कर देते, यानी दिया है कि ये दिया, ये दिया, अरे तीन साइड दिया, बस ये निकालना है, जल्दी से निकाल लेते, ठीक है, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, फाइंड बीसी, क्या फाइंड करना है, बीडी नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, तो जिसको हमको फाइंड करना है उसको हमने एक्स ले लिया है और ये थ्री है, ये पूरा एक्स है, तो यहाँ बचा हुआ कितना, एक्स माइनस थ्री, तो हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन से एक्स का जो आंसर मिलेगा दैट इज योर बीसी, इज इट क्लियर, दिस क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 7 भी है, 8 भी है, आई जस्ट चेक, देख लेते हैं उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, एक आप कर सकते, ठीक है, देन वो सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 एक है क्वेश्चन, वो करेंगे इसके बाद, सो आई जस्ट चेक, देखिए 7 8 में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टफ है, सो और एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन नंबर 8 पे 7.3 इट इज सब क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एबी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, एबी के लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, एबी इज 10 सेंटीमीटर, एसी के लेंथ कितने दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड बीसी कंप्लीट बीसी इज 12, देखिए पूरा बीसी दिया, हालांकि हमको रेशियो में बीडी और डीसी यूज करना है, हमको रेशियो में क्या यूज करना है, डीबी अपॉन डीसी, लेकिन डीबी और डीसी अलग अलग नहीं दिया बल्कि पूरा बीसी दे दिया उसने, कितना बीसी कितना दिया एक्चुअली 12, और क्या क्या फाइंड करना है, बीडी भी फाइंड करना है, डीसी भी फाइंड करना है, फाइंड बीडी एंड डीसी, यानी ये भी फाइंड करना है, दिस आल्सो क्वेश्चन मार्क, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, इज इट क्लियर,
यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दिए। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। एडी क्या है? उसमें एंगल बाइसेक्टर। एबी की लेंथ कितनी दिया है? 10 सेंटीमीटर। एसी की लेंथ कितनी दिया है? 6 सेंटीमीटर। और पूरा बीसी की लेंथ कितनी दी है? एक्चुअली 12। बीसी इज 12। एंड फाइंड बीडी। हमको पहले क्या फाइंड करना है? बीडी। जिसको हमको पहले फाइंड करना है उसको एक्स मार्क कर लिया हमने। जिसको पहले फाइंड करना उसको क्या मार्क कर लिया? एक्स। बाद में डीसी भी फाइंड कर रहे हैं, दोनों फाइंड कर रहे हैं। नाउ बीसी की वैल्यू याद रखें, बीसी पूरा 12 दिया है, ये पूरा 12 दिया, हमको पहले बीडी फाइंड करना उसको एक्स ले लिया, तो ये बचा हुआ डीसी कितना रहेगा? पूरा 12 है, तो 12 माइनस एक्स। अच्छे से याद रखें, एक्स माइनस 12 नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्स माइनस 12 इट विल बी व्हाट एक्चुअली? 12 माइनस एक्स। हमेशा जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे बिगर नंबर माइनस स्मॉल नंबर, क्या करना पड़ेगा? बिगर नंबर माइनस स्मॉल। तो पूरा कंप्लीट बीसी 12 है और ये बीडी छोटा नंबर ही एक्स है, तो बचा हुआ क्या रहेगा? पूरा 12 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एक्स। 12 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? सो एज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, सो AD क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, किस कौन से एंगल का? एंगल BAC का। ट्रायंगल ABC में AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल BAC का, और वो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रेशियो कौन सा रेशियो? DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सो देखिए, DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इज इट? वैल्यूज पुट कर देंगे, DB की वैल्यू देखिए क्या है, दिस इज DB, DB इज इक्वल टू क्या है? X। सो DB की वैल्यू X है, अपॉन DC, DC की वैल्यू क्या है? 12 माइनस एक्स। सो DB की वैल्यू X है, ये DB की वैल्यू, और DC की वैल्यू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू AB की वैल्यू देखिए कितनी है? 10। AB की वैल्यू 10 है और AC की वैल्यू क्या है? 6। ये सभी नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डू, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, बट देखिए दैट इज इक्वल टू 5/3। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 और x मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो? सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? सो ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का? बीएसी। तो कौन से रेशियो इक्वल आएगा? डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। और फिर डीबी की जगह हमने पुट कर दिया एक्स, और डीसी की जगह 12 माइनस एक्स, एबी की जगह 10 और एसी की जगह 6। तो 10 अपॉन 6 दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा 5/3। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, सो 3 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 12 माइनस एक्स, सो दिस इज 3x। नाउ 5 इंटू 12 इज हाउ मच? 6 माइनस 5x। अब ये माइनस 5x यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 60, दैट इज 8x इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 60 में से 56 माइनस बचा 4, नाउ 4 एंड 8 का हाफ होता है 0.5, 7.5 सेंटीमीटर। इसी पे 60 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 7.5, x यानी हमारा BD आ गया, क्या देखिए BD, लेकिन हमको BD के अलावा DC भी निकालना, 12 माइनस x भी निकालना, सो BD हमारा आ गया x इक्वल टू 7.5, BD इज इक्वल टू x इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और हमारा DC क्या है? 12 माइनस x, यस और नो? DC भी फाइंड कर रहे हैं, फाइंड BD एंड DC, DC इज इक्वल टू, यस एवरीबॉडी पे अटेंशन है, डोंट पैक योर बैग्स, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो। सो DC, DC हाउ मच इज DC? 12 माइनस x, सो DC इज इक्वल टू 12 माइनस x, दैट इज इक्वल 12 माइनस x इज हाउ मच? 7.5, that is equal to 4.5 centimeter. Is it clear? Why you are in a hurry to go?